आज हम आपको बताने वाले हैं पीएम जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्री में मिलने वाली है, सोलर सिस्टम फ्री में लगने वाले हैं, तो उसमें आपको कैसे रजिस्टर करना है। आप किसी भी स्टेट से हो, किसी जगह में हो, तो आपको अपने फ़ोन में ही आप खुद है वो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकती हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप कोई भी अपना फॉर्म फिल करने पड़ेगा, ना ही सब बिल्कुल सिर्फ आपको अपने फ़ोन में जाकर के सिर्फ आपको कुछ फॉर्मेलिटी इसमें आपने टाइप करनी है। कोई भी आपने आधार कार्ड का नंबर नहीं देना, कुछ नहीं करना, और सिर्फ आपको कोई भी मतलब ऑनलाइन फॉर्म मतलब मोबाइल में जो भी अपने कुछ होता है तो उसमें सिंपल फॉर्मेलिटी नेम वगैरह और अपना मोबाइल नंबर इसमें सब कुछ ऐसे ही फिल करना है। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे आप उसका जो फ़ायदा ले सकते हैं। जो पीएम योजना की तरफ से आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली आपको मिलने वाली है, उसमें आप सोलर सिस्टम के ज़रिए आप फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको अब आपको बताने वाला हूँ कैसे यूज़ करना है। वीडियो पूरी देखिए, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए, दिखाते हैं आपको। दोस्तों पहले आपको अपने गूगल में आ जाना है, किसी भी अपने फ़ोन में खोल लेना है या फिर लैपटॉप में, किसी भी जगह में यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपने यहाँ पे सर्च करना है फ्री सोलर रूफ योजना 2024, इसमें ये शो हो गया। तो नेशनल पोर्टल फॉर रूफ टॉप सोलर, यहाँ पे ये जो मेन साइट है, ओरिजिनल ये मेन साइट है, इसमें आपने क्लिक कर लेना है। ये जो मेन साइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये हमें साइट मिल रही है, पीएम सूर्य घर। यहाँ पे ये देखिए बिजली योजना, ये आपने जो सोलर सिस्टम है वो फ्री में लगने जा रहे हैं। इसमें आपने रजिस्टर कैसे करना, सब्सिडी कैसे मिलनी है, इसमें आपको बताने वाला हूँ। और इतने लोगों ने इसका जो फ़ायदा भी उठा लिया, 60,000 के करीब लोगों ने इसका फ़ायदा उठा लिया है, और इसने सब्सिडी 340 करोड़ की इसको लोगों को सब्सिडी मिल चुकी है। ये देखिए ये सब कुछ लोग इसमें जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, कितने लोगों ने रजिस्टर कर लिया, कितने लोगों को फ़ायदा मिल गया। तो मैं आपको सारा बताने वाला हूँ, अप्लाई कैसे करना है, सब्सिडी कैसे मिलेगी, और इसको जो है यहाँ पे आपको जो फिटिंग कैसे कौन करेगा, इसमें सब कुछ आपको फिल करना पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले ही मैं आपको इसके अप्लाई के बारे में बता दूँ सारा कुछ, आपको स्किप ना करें, वरना स्किप कर दे तो आपको जो प्रॉब्लम है वो इसमें आप फेस करेंगे। ठीक है, आपको रजिस्टर की तरफ से यहाँ पे ये रजिस्टर है वो शो हो गया है। ठीक है, कंज्यूमर अकाउंट डिटेल्स वगैरह आप वो अपने फिल करनी है, स्टेट बता दी आपको कौन सी स्टेट में, जो भी आप स्टेट में, सारी ऑल ओवर इंडिया में ये जो जो योजना है ये जो मिलने वाली है, कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं पंजाब सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर जो भी पंजाब में डिस्ट्रिक्ट होंगे वो सभी शो हो जाएंगे, जो भी आपका स्टेट है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, जो भी स्टेट है आपका, जो जो भी है उसके हिसाब से आपको जो जब आप स्टेट सेलेक्ट कर, जैसे कि कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर ली, जैसे कि मैंने एक स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगी वो शो हो जाएगी, ये कंपनी है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेटर, देखिए ये शो हो गया। उसके बाद आपको अपना जो कंज्यूमर अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है, तो ये मैं आपको, ये मैंने तो सेलेक्ट कर लिया है, पहले फिल कर दिया, फिल नहीं करूँगा। सेकेंड स्टेप, जैसे कि इसको आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो उसमें आपका फ़ोन नंबर, नेम वगैरह उसमें शो हो जाएगा, बाकी आपको ये फिल हो जाएगा अकाउंट। तो देन अभी हम बैक चलते हैं, तो इसको आपको सब्सिडी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सब्सिडी स्ट्रक्चर के बारे में जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आपको ये देखना है कि आपकी जो मंथली आपको जैसे कि यूजेस कितना है, आप इस बिजली मतलब कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन कितनी आपकी, 150 के आसपास आपके यूनिट चल रहे हैं, तो आपको 1 या 2 किलोवाट का आपको सोलर पैनल है वो रूफ टॉप में लगेगा, 1500 सॉरी गाइस 150-300 के आसपास है तो आपको 2 या 3 किलोवाट का आपका जो है सोलर पैनल लगेगा, 300 यूनिट से ऊपर है तो आपका 3 किलोवाट से ऊपर जो सोलर पैनल लगेगा, तो उसके हिसाब से आपको सब्सिडी कितने पे मिलेगी। 2 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाओ तो आपको 30,000 रुपये यहाँ पे आपको सब्सिडी मिलने वाली है, 3 किलोवाट का सोलर पैनल आप लगाओगे तो 18,000 रुपये की आपको सब्सिडी मिलने वाली है। देखिए देन अभी इसमें 3 किलोवाट के ऊपर देखे थे वो सिस्टम लगाओगे तो आपको 78,000 आपको सब्सिडी इसमें मिलने वाली है, जो भी आप इसमें लगाओगे तो गवर्नमेंट आपको देगी, ये पैसे आपको गवर्नमेंट देगी, सब्सिडी देगी कि आप जो सोलर सिस्टम लगवाओ कि आपको यहाँ पे ये जो है सोलर सिस्टम लगवाएं। ठीक है, देन पीछे चलते हैं, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, और इसको जैसे कि आपने सोलर सिस्टम फॉर्म फिल कर दिया, उसमें आपने जाओगे तो उसमें आपको जो पोर्टल है ओपन हो जाएगा, देन आपको जब उसमें सब्सिडी मिलेगी तो उसको ओपन जैसे कि आ गए आपके घर, तो आपके घर आ जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको इसको फिटिंग करवाना है। फिटिंग कैसे होगी इसके हिसाब से मैं वही आपको बताने वाला हूँ, जो भी आपको इस पे यहाँ पे क्लिक कर देना हो, जो भी आप स्टेट से हैं, यहाँ पे भी हैं,
उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो है आपको फिटिंग प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि फिटिंग कैसे आप खुद तो नहीं कर सकते, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से ही आपको फिटिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी। ये सब कुछ मैंने आपको बताना था। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने इसका जो है फ़ायदा उठाया है। बाकी आपको कोई भी मुझसे बताने वाला रह गया है या कुछ वो भी आपको डाउट है कोई या कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम शो हो रही है, तो उसमें आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आने वाली बेनिफिट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।